नेक्स्ट चैप्टर है आपका उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन, चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 4 से 8 मार्क का वेटेज ले जाएगा। इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है, परिवर्ती अनुपात का नियम, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ फैक्टर्स, रिटर्न टू फैक्टर्स। देखो क्या होता है, उत्पादन फलन का मतलब है कि वस्तु का उत्पादन इन दो चीजों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी दो चीजें? एल फॉर लेबर यानी कि श्रम एंड के फॉर कैपिटल यानी कि पूंजी। तो वस्तु का उत्पादन श्रम और पूंजी पर निर्भर करता है। जैसे मैंने कहा Q10 = F2 and 500, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु की 10 इकाइयां बनाने में मुझे 2 मजदूर लगाने पड़े और 500 रुपए की पूंजी लगानी पड़ी। ऐसे ही अगर लिखता हूँ Q20 तो मुझे वस्तु का उत्पादन 20 इकाई बनाने के लिए 4 मजदूर लगाने पड़े, 1000 रुपए का खर्चा आया। तो इसको हम कहते हैं उत्पादन फलन, मतलब ये वस्तु के भौतिक आगतों और भौतिक उत्पादन के बीच में संबंध को बताता है, कितने आगत लगाए तो कितना उत्पादन हुआ। अब देखो यहाँ एक बार ध्यान से देखना, ये जो उत्पादन फलन है ना, ये 2 तरह से होता है। एक तो होता है अल्पकाल, एक होता है दीर्घकाल। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट किया ना, ये दीर्घकाल का था। दीर्घकाल में दोनों ही कारक में परिवर्तन कर सकते हो आप मजदूरों को भी बढ़ा सकते हो, पूंजी को भी बढ़ा सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मेरी पूंजी भी 500 है, मशीन मेरी 500 की लगी हुई है, तो ये अल्पकाल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ एक कारक स्थिर रहेगा, एक कारक स्थिर, एक कारक परिवर्ती रहेगा, तो अल्पकाल। यहाँ एक कारक तो स्थिर होता है, अब एक होता है परिवर्ती। यहाँ दोनों ही कारक परिवर्ती होते हैं, मतलब पूंजी भी परिवर्ती और श्रम तो परिवर्ती है ही। अब ये स्थिर कारक और परिवर्ती कारक क्या होते हैं? स्थिर कारक वो कारक होता है जिसका उत्पादन के लेवल से, उत्पादन के स्तर से कोई लेना देना नहीं है। उत्पादन शून्य हो या उत्पादन अधिकतम हो, ये कारक तो रहेंगे रहेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको मशीन का, भैया तो मैंने उत्पादन करना है, मैं कोई भी एक वस्तु मान लो मैं ये मार्कर बनाता हूँ, तो ये मेरी मशीन एक दिन में 1000 मार्कर बना देती है, 1000 मार्कर बना देती है। तो अब चाहे मैं 1 बनाऊँ, चाहे 100 बनाऊँ, चाहे 1000 बनाऊँ, लेकिन मेरा मार्कर तो पूरा लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, इसका मतलब मशीन पूरी लगेगी। ये स्थिर कारक होगा। परिवर्ती कारक क्या होगा? परिवर्ती कारक का मतलब है जो उत्पादन के बदलने से बदलता रहता है, जैसे कि श्रम हो गया, कच्चा माल हो गया, ये सारी चीजें। जितने ज्यादा मुझे मार्कर बनवाने होंगे उतने ज्यादा मुझे लेबर लगाने पड़ेंगे। तो हम ये चीज पढ़ेंगे, स्थिर कारक और परिवर्ती कारक। हमारा जो सिलेबस है वो इसका है, दीर्घकाल आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप बीकॉम या बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। ये 12th क्लास में है, ये बीकॉम और बीए में। आगे चलते हैं फटाफट। देखो भाई, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो ये तो स्थिर कारक था, यानी कि मशीन हो गई 1:1:1:1:1:1:1:1 जो भी था। एक मेरा परिवर्ती कारक है, यानी कि मजदूर अगर मैं लगा रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब होगा क्या, अब हमें बात करनी है एमपी क्या होता है, टीपी क्या होता है एंड एपी क्या होता है। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट यानी कि कुल उत्पाद, एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट यानी कि औसत उत्पाद। प्रोडक्ट हो गया प्रोडक्शन, प्रोडक्ट नॉट प्रोडक्शन। और एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि सीमांत उत्पाद। मतलब भैया मार्जिनल का मतलब क्या है, मैंने एक मशीन पर अलग अलग लोगों को लगाया, मजदूरों को लगाया, तो पहले मजदूर ने मान लो कुछ भी एक काम करता हूँ 2 यूनिट बनाई, मान लो उसने 2 कुर्सियाँ बनाई होंगी, कुर्सियाँ बनाई फैक्ट्री है, तो दूसरे ने 3 बनाई, पहले ने अगर 2 बनाई तो कुल कितनी बन गई 2, दूसरे ने अगर 3 चेयर्स बनाई है, वो 3 की बनाई, उस पर बाद में आते हैं, पहले देख लो हमें निकालना कैसे होता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो कितनी होगी 2 और 3 5, तीसरे ने अगर 4 बनाई तो कुल कितनी होगी 5 और 4 9, यानी कि पहले वाले में बाद वाला ऐड करते जाना है। चौथे ने अगर 3 बनाई होगी तो 9 और 3 12,
फिर उसने दो बनाई होंगी तो 12 तो 14 सब एक बनाई तो 15 फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है उसने कुछ काम ही नहीं कहा, कुल 15 हो जाएगा, उसने बाद में आके नुकसान कर दिया और नुकसान कर दिया। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन जाता है कि अगर मुझे टीपी निकालना हो तो मुझे सिग्मा एमपी करना पड़ेगा, मुझे टीपी निकालने के लिए एमपी को जोड़ना पड़ेगा। हाँ मैं उल्टा भी कर सकता था, अब मान लो एग्जाम में अगर आपको कुल उत्पाद दे रखा है तो सीमांत कैसे निकालूंगा, पहले पे तो दो रहेगा, दो मजदूरों ने कुल मिलकर 5 कुर्सियां बनाई है पहले वाले दो, तो इसका मतलब दूसरे कितनी बनाई होंगी, 5-2 यानी कि 3, तो यानी मुझे अगर एमपी निकालना हो तो टीपीएन में से टीपीएन माइनस 1 करना पड़ेगा। 9 में से 5 गया 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ माइनस का 1 और यहाँ माइनस का 1। इस तरीके से हम एमपी निकाल सकते हैं। अच्छा एपी कैसे निकालेंगे हम, एपी का मतलब है एवरेज प्रोडक्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है टीपी डिवाइड बाय क्वांटिटी। कुल दो कुर्सियां बनी हैं, दो इकाइयां बनी हैं, एक मजदूर ने बनाई यानी कि दो, 5 इकाइयां बनाई, दो मजदूर ने, तो एक की एवरेज कितना हो गया, तो टीपी को क्यों से भाग करना, सिंपल 9 में से 3, तो कौन से भाग करोगे, 3 आएगा, यहां भी 3 आ जाएगा, फिर यहां 2.8, यहां 2.5, फिर यहां 7 × 2 = 10, 7 × 7 = 728, यहाँ पर 8 × 8 = 6, 8 8×56 = 8540 और यहाँ पर 9 × 9 = 27, 3 × 3 = 27। ये आपका एपी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप टीपी एपी और एमपी को निकाल सकते हो। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखो फटाफट।